विनोद अगरिया कहाँ से आए भैया? लातेहार जिला, रांची राजधानी, ग्राम बनकीता, पोस्ट तासु थाना हैरानी। क्या दिक्कत क्या भैया आपको? कमर में दर्द कब हो जाता थोड़ा सा? अभी तो दिखाई गया, कहाँ पर दर्द हो रहा था? दर्द हो जाता था तो एक बार खड़े हो जाएगा पूरा, देख इतना उठ भी गया, इतना मांस निकल गया अच्छा ये मांस निकल गया मांस मैंने अंदर डाल मांस अंदर हो गया मांस ना पूरा ठीक। अभी बेंड था, 6 साल से बेंड था, लेकिन इसको पता नहीं चला 3 साल पहले पता नहीं चला। पहले कहीं दिखवाए थे भैया? कहीं खाली डॉक्टर ही इलाज सुई देते थे, दर्द का सुई ले रहे होंगे। तो फिर कितना दिन आराम रहता था सुई लेने के बाद? 10 से 12 महीना मतलब दर्द का सुई लेते तो 1-2 महीना आराम रहता था, फिर से दर्द होने लगता था। दिन हल्का हल्का दर्द करने लगता था तो वैसे ही काम धंधा कर देते, लोड का काम। मतलब अच्छा ये आपको कब हुआ था, मतलब 1-2 महीना 3 महीना कब हुआ था? ये तो हो गया 2-3 साल। 2-3 साल से? 2-3 साल से लेके मतलब उस कष्ट को चल रहे थे? साल का एक बार करके आना पड़ेगा, साल हुआ इतना दिन का हार्डनेस हो गया ना, उसमें पानी फेंक दिया, तो पानी पूरा खाएगा, पूरा उसमें हवा जाएगा तब ना बनेगा। आज के दिन इसको लाइन में कर दिया, लाइन में करना है। आप इलाज के बाद कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा अभी खड़े हुई है तो थोड़ा सा आप खड़े हुए, अभी दर्द हो रहा है अभी आपको? अभी दर्द नहीं हो रहा है? अभी पेन कैसा है अभी आप झुकने के बाद? ठीक है ना, इसका पूरा अंग जो था सिकुड़ गया था एक दिन में, तो अभी खोल दिया तो आज पहला दिन है। अब इसके बाद का मामला जो होगा जब गल जाएगा तब करवाएगा, तब जाएगा इसको परमानेंट। अभी 1 महीना हाँ प्रिय और सराहनीय YouTube के दर्शकों, आपने मुझे सम्मान दिया है, इसके लिए 100-100 बार प्रणाम आप लोगों को और आपके अप्रिसिएशन को बधाई हो। भाई ये एक डिस्क का रोगी है, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क के रोगी को किस किस बातों से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे डिस्क का बीमारी हो ही नहीं, अगर हो जाता है तो आदमी को कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, अपने बॉडी को किस तरह हैंडल करना चाहिए। हैंडल करते समय अपने आहार विहार का कैसा प्रोग्राम रखना चाहिए, इस बात पर चर्चा करने की बात थी। तो मैं 2-4 पॉइंट अच्छे बताते हैं। एक तो डिस्क में बॉडी को ओवरहीट नहीं होना देना चाहिए, ये मैं हमेशा बताता हूँ कि ओवरहीट बहुत बुरा चीज़ है। ओवरहीट, ओवरलोड और ओवर आराम, ये 3 आयाम ऐसे हैं जिसके कारण डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी चढ़ाई चढ़े तो आगे की तरफ झुक के चढ़े, सीधा खड़ा होकर न चढ़ें, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अलग इफेक्ट डालती है बॉडी पर। तो मैं बोलूँगा कि हमेशा इतना बात ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी का जितना लोड है उस लोड से 5 kg कम वज़न ही उठाना चाहिए, और वो भी चढ़ाई पर अनबैलेंस्ड लोड नहीं रखना चाहिए। अनबैलेंस्ड लोड का मतलब हुआ एक हाथ में 10 किलो और एक हाथ में 15 किलो, ऐसा लोड नहीं होना चाहिए। तो लोड से बचना चाहिए,
दूसरा बहुत बड़े झटके में भी नहीं आना चाहिए, अगर झटके में आते हैं तब भी डिस्क उल्टा हो सकता है। तो वेट का डिफरेंस, बॉडी के जड़त्व जो है वो आधा शरीर एक जगह रह जाएगी, आधी शरीर आगे बढ़ जाएगी तो खिंचाव पैदा होगा और उसमें भी डिस्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो एक बात तो बताया मैंने, और बॉडी का टेम्परेचर कभी हाई टेम्परेचर में जा कर के ओवर हीट हो जाए, दो दो बार स्वेटिंग हो जाए उसके बाद भी हीट में काम करता रहे तो वो आदमी भी डिस्क का पेशेंट हो सकता है, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर एक तरह का गैस फॉर्म हो जाएगा, स्टिमुलाइजेशन हो जाएगा, स्टीम तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, स्टीम अंदर जाके फॉर्म हो जाएगा गैस में, और गैस में फॉर्म होने पर प्रेशर बनेगा और डिस्क डिजोबे हो जाएगा। आहार कभी भी, डिस्क वाले को आहार कभी भी लेना चाहिए तो बहुत गर्म आहार नहीं लेना चाहिए। अब तीसरी बात, अपने सोते समय पोस्चर को सही रखना चाहिए और सही लाइन में सोना चाहिए, ये एज पर मैनुअल बताई मैंने। अब बताया कि अगर हो गया है तब क्या करेंगे, तो आहार सुपाच्य लेंगे, आहार ऐसा नहीं लेंगे जो अजीर्ण करे या अंदर में जमा हो जाए, मल का रिसाव नहीं हो पाए, पेशाब साफ न उतर पाए, ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, यह आहार विहार में अपना ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि बाय फोर्स बॉडी को काम नहीं करने देना चाहिए, ओवरलोड से बचना चाहिए, झटके से बचना चाहिए। कहीं ऊंचे खाले में अगर चलना है तो बॉडी को बैलेंस वे में चलाएंगे, ना कि अनबैलेंस वे में चलाएंगे, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तीसरी चीज है कि स्नान करने की क्रिया को सम रखेंगे, अगर मिट्टी लगाते हैं तो आपकी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन कम आएगा, ये बात हमेशा हमने बताई है। और हल्दी दूध लेने की क्रिया नहीं छोड़नी चाहिए, हल्दी दूध लेने से इंटरनली सफाई होता रहता है, इसीलिए हल्दी को हम लोगों ने बहुत तवज्जो दी है अपने आहार विहार रहन सहन दैनिक उपयोग में। बहुत लिक्विड फूड भी नहीं लेना चाहिए और बहुत सॉलिड फूड भी नहीं लेना चाहिए, मीडियम फूड लेना चाहिए, ये बात मैं हमेशा इस विषय पर डिस्क वालों को कहता हूँ। बहुत कसकर बॉडी को बांधना नहीं चाहिए, जैसे डिस्क वालों को बेल्ट लगा देते हैं, उसे पखाना और पेशाब रुक जाएगा तो सारी क्रियाएं विकृत हो जाएंगी, वो तो ऑपरेशन का नौबत लग जाएगा। तो ये बात हम हमेशा बताते हैं, किसी एक करवट में बहुत समय तक नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हीट हो जाएगा, बॉडी को करवट बदल लेना चाहिए। हाँ, झुकना खड़ा होना ये मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो मना कर देने से जड़त्व आ जाएगी, बॉडी हार्ड हो जाएगा, स्टीफ हो जाएगा और उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात हम हमेशा डिस्क वालों को बताते हैं, टाई बॉडी को टाई करने की क्रिया कम रखनी चाहिए, और बहुत कड़े कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बेल्ट बहुत कसा हुआ नहीं होना चाहिए, एक निश्चित प्रेशर तक ही बेल्ट का दबाव हो ऐसा होना चाहिए। तो भाई ये सब क्रियाएं उसके अंतर्गत आती हैं, और ये सब क्रियाओं पर अगर ध्यान देगा तो वह आदमी स्वास्थ्य को भोगेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। और अगर आराम नहीं मिलता
तो मुझसे संपर्क साध सकता है जिसका पूरा पता दिए हुए हैं। हाँ, डिस्क वाले कितने दिन में ठीक होते हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सुझाव, बहुत सारा डिमांड, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मैं ये बताता हूँ कि पहला दिन से आराम मिलने लगता है। जब बिल्कुल आराम हो जाता है, हो सकता है 5 बार में आराम हो, 6 बार में आराम हो, 10 बार में आराम हो, लेकिन जब तक पूरा आराम नहीं हो जाता है, टाइमली आकर के अपने बॉडी को, डिस्क को क्लियर करा लेना चाहिए। और वह बॉडी बताती है कि अब आराम हो गया। और आराम हो गया का मतलब है कि वो आराम हो गया, फिर पुनः नहीं लौटेगा। तो ये हुआ आपका आज का प्रोग्राम। सर धन्यवाद आप लोगों को। लकवा, पैरालिसिस, स्लिप डिस्क, काठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन, आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज, हजारों साल पहले भी ये बीमारियाँ होती थी, इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं, ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। ये इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा हैं। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी, वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।